मैं हिमांशु सर आज अपने इस वीडियो में फ्रोम के यूज के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रोम एक प्रीपोजिशन है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन को वाक्य किसी दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। तो आप पहला यूज है आप लोग का, फ्रोम इज यूज इन द सेंस ऑफ से टू एक्सप्रेस सेपरेशन। सेपरेशन मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरे चीज से अलग करना। उसी के अर्थ में से को व्यक्त करने के लिए से के अर्थ के रूप में फ्रॉम का यूज किया जाता है। ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से अलग होके आ रहा है ना, वो दिल्ली से दूर आ रहा है, अलगाव हो रहा है, तो उसी अलगाव को सेपरेशन बोला जाता है। द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री, कहाँ से पेड़ से गिर रहा है, ठीक है। और दूसरा इसका यूज है फ्रॉम इज यूज टू इन द सेंस ऑफ से टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ टाइम बिफोर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। फ्रॉम का यूज किया जाता है से के अर्थ में किसको व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए। टू यहाँ पे आ रहा है तो के लिए काम देगा, बता रहे तुरंत कैसे। द सेंस ऑफ टाइम, द टाइम बिफोर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, मतलब फ्यूचर प्रेजेंट और पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है तो उसको व्यक्त करने के लिए से के अर्थ के रूप में फ्रॉम का यूज किया जाता है। मुकेश विल कम फ्रॉम हियर, हियर मुकेश विल कम हियर फ्रॉम संडे नेक्स्ट, ठीक है, अगले संडे वहाँ आएगा। ही विल टीच द स्टूडेंट फ्रॉम 10 AM, 10 बजे तक से पढ़ाते हैं वो। माई ब्रदर लर्न इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 12, 12 साल की एज में मेरा भाई सीख गया, अंग्रेजी सीख गया। अगला है फ्रॉम, फ्रॉम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ से टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ कॉज, कॉज को बताने के लिए, रीजन को बताने के लिए, ठीक है, कारणों को बताने के लिए। ही हिज बिलव्ड, उसकी प्रेमिका हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसकी प्रेमिका बुखार से पीड़ित है। अगला है फ्रॉम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ से टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब मूल होता है, जहां से वो ओरिजिन है, उत्पत्ति उसकी हुई है। दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र, पंचतंत्र से इस स्टोरी को लिया गया है, ठीक है। तो लिखना उचित हम नहीं समझते हैं, ज्यादा सुटेबल नहीं है लिखना। अगला आप लोग का यूज है हम बता रहे हैं क्या यूज है। अगला है फ्रॉम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ से टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ मेकिंग फ्रॉम वन थिंग टू अदर डिफरेंट क्वालिटी एक्सप्रेसिंग थिंग। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, हम बोले यहां पे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, लिख देते हैं कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब हम लोग का नियम क्या है, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, हम लोग नियम कहते हैं। ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, समझ जाइएगा तो नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने नियम क्या बोला है, हमने नियम में यही बोला ना, हमने नियम में यही बोला है आप लोगों को, फ्रॉम इज यूज इन द सेंस ऑफ से टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ मेकिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर अदर थिंग क्वालिटी एक्सप्रेसिंग थिंग, यानी कि मटेरियल डेट समथिंग इज मेड ऑफ, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध दही दूध से बना हुआ है, ठीक है, दूध से दही बना हुआ है, तो दही एक ही उससे बना हुआ है, ठीक है, और ये इसकी क्वालिटी अलग है, दूध का क्वालिटी अलग है, दूध पीने में मीठा लगता है, दही खट्टा लगता है, मीठा भी लगता है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी अलग अलग हो गया, ठीक है। जैसे इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है आप लोगों का कि फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, फर्नीचर इज मेड फ्रॉम, फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, वुड से फर्नीचर बना हुआ है, फर्नीचर किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, आयरन से स्टील बना हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये कौन सा नियम था, ये रूल पांचवा था, ये रूल पांचवा था, ठीक है। अब छठा रूल पे आते हैं, रूल जो सिक्स है वो क्या बोल रहा है। फ्रॉम इज यूज्ड टू शो वेयर समबडी समथिंग स्टार्ट्स, फ्रॉम इज यूज्ड टू शो वेयर समबडी
वेयर समबडी, वेयर समबडी समथिंग स्टार्ट्स और समथिंग स्टार्ट। एग्जाम्पल है इज द फ्रॉम इज यूज टू शो द वेयर समबडी समथिंग स्टार्ट सी बिगेन टू वॉक अवे फ्रॉम हिम सी बिगेन टू वॉक सी बिगेन टू वॉक सी बिगेन टू वॉक वॉक करना प्रारंभ की वॉक अवे फ्रॉम हिम अवे फ्रॉम हिम फ्रॉम हिम। ठीक है, अब सी बिगेन टू वॉक इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे वह रोने लगा। ठीक है, वह रोने लगा मतलब रोने का काम स्टार्ट हो गया, तो बिगिन मतलब स्टार्ट करना ना। वह रोने लगा ही बिगन टू क्राई या वीप, वह रोने लगता है ही बिगिंस टू क्राई और वीप। ठीक है, यही सब है। तो अगला आप लोग का है, ये करते हैं इसको। Used to show where somebody something starts. She began to walk from him. ठीक है, तो ये एक यूज हो गया, ये रूल छठा था, ये छठा रूल था। अगला आप लोग का नियम है रूल सेवन, रूल सेवन है आप लोग का। फ्रॉम इज यूज टू शो व्हेन समबडी स्टार्ट्स, व्हेन समथिंग स्टार्ट्स, तो वही वाला यूज हो गया। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम वह बचपन से अंधा है। तो मतलब ये भी हो सकता है कि फ्रॉम इज यूज्ड, फ्रॉम इज यूज्ड व्हेन सम, व्हेन समथिंग स्टार्ट्स, जब से वो स्टार्ट हुआ है कोई भी चीज। जैसे वी आर ओपन फ्रॉम 8 AM टू 7 PM एवरी डे, हम लोग का ये खुला रहता है। ठीक है, अगला है रूल 8। ये तो रूल 7 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं है रूल 7 में, फालतू का था। रूल 8 है फ्रॉम इज यूज टू शो हु सेंड और गिव समथिंग समबडी। From is used to show who sent or gave, who sent or gave, who sent or gave something या somebody, something या somebody क्या। फ्रॉम इज यूज टू शो, फ्रॉम इज यूज टू शो हु सेंट और गिव समथिंग और समबडी। ए लेटर फ्रॉम माई ब्रदर, 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 ए लेटर फ्रॉम माई ब्रदर। ठीक है, अगला इसका है रूल, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है फ्रॉम इज यूज टू शो, टू शो द रेंज ऑफ समथिंग, टू शो द रेंज ऑफ समथिंग। रूल 9, टू शो द रेंज ऑफ समथिंग। जैसे द टेम्परेचर वेराइज फ्रॉम 30 degrees टू माइनस 20। ठीक है, द टेम्परेचर वेराइज फ्रॉम 30 degrees टू माइनस 20। द टेम्परेचर वेराइज फ्रॉम the temperature varies from 30 degree to minus 20. अगला है फ्रॉम इज यूज टू शो दैट समथिंग और समथिंग प्रिवेंटेड। फ्रॉम इज यूज टू शो, फ्रॉम इज यूज रूल 10
रूल 10 है आप लोगों का, फ्रॉम इज यूज टू शो, फ्रॉम बहुत गर्मी है, फैन ऑन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपका आवाज करने लगता है। फ्रॉम इज यूज टू शो डेट समथिंग इज प्रिवेंटेड, टू शो डेट समथिंग इज प्रिवेंट मतलब माना करना होता है, प्रिवेंट जिसको माना किया गया है। इसका एग्जांपल है आप लोगों का, अगला 10 का एग्जांपल है, ही सेव्ड हर फ्रॉम ड्रॉइंग, ठीक है, ही सेव्ड हर फ्रॉम ड्रॉइंग, ही सेव्ड हर फ्रॉम ड्रॉइंग, ठीक है। तो ये आपका यूज ऑफ फ्रॉम था, फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है ये। थैंक यू, सेशन देखने के लिए थैंक यू।